अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, अध्यक्ष महोदय, 126वां संविधान संशोधन विधेयक, इस बिल के हम लोग समर्थन ही नहीं बल्कि पुरजोर समर्थन में खड़े हैं। और 10% ही नहीं, हम लोग चाहेंगे कि इसको 20% भी किया जाए। लेकिन हर बार ये जो है 10 साल बाद ये रिन्यू होता है। हम सब लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसकी कोई स्थायी व्यवस्था भी जो है हम लोगों को करना चाहिए कि ताकि बार बार जो है 10 साल बाद हम लोगों को इसको रिन्यू की जरूरत ना पड़े। आज महोदय मुख्यमंत्री जी भी यही है और हमको जहां तक लगता है ये विधेयक जो है सर्वसम्मति से ये पास होगा। और जिस प्रकार से आज ये सत्र बुला करके इस विधेयक का सब लोग जहां तक मुझे एहसास है कि समर्थन करेंगे और पास करेंगे, उसी तरीके से हमारी दो मांगे हैं कि एक तो विशेष सत्र जो है जातीय जनगणना पर बुला करके हम लोगों को केंद्र सरकार में भेजना चाहिए। बहुत है डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में जो है केंद्र सरकार को राज्य की सरकारों ने भेजने का काम किया है। और अभी सुशील मोदी जी अपने वक्तव्यों में उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे रिजर्वेशन इन प्रमोशन, लेकिन हम लोगों को तकलीफ होती है कि जो समाज का अंतिम पैदान में खड़ा व्यक्ति को सड़क पर आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। SC ST एक्ट जिस प्रकार से केंद्र सरकार की साजिश द्वारा खत्म कराने का काम किया गया था, अगर भारत बंद नहीं होता, लोग जागरूक नहीं होते, सड़क पर नहीं आते, वरना ये सरकार तो चाहती नहीं कि उन वंचित शोषित समाजों का उनको अधिकार दिया जाए। तो महोदय ये सबको पता है कि कौन किस सोच और विचारधारा के लोग हैं। आज देश में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार विनती करते हैं कि एक इसी तरीके से अगर हो तो इसको भी बढ़ा दिया जाए, हम लोग इसके समर्थन में है। विशेष सत्र एक दिन दो दिन जितना दिन आपको बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, लेकिन इस पे जातीय जनगणना पर हम लोगों को एकजुट होकर के जो वंचित शोषित पीड़ित समाज है उसको अधिकार देने का काम करना चाहिए। और महोदय विधेयक के समर्थन में तो सब लोग होंगे और हमारा जो देश की जो स्थिति है खास तौर पर, क्योंकि पूरा देश जल रहा है और CAA, NRC और आप कहिएगा NPR, अब तो गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। NPR तो शुरू से होता रहा है, लेकिन उसमें नया प्रावधान किया गया कि अब आपको पिताजी का भी डिटेल देना पड़ेगा कि उनको जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये भी कि कौन से जगह कौन से साल जन्म हुआ था। अब लोग भागता रहेगा कागज ढूंढते रहे, अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का CAA और NRC पर कोई वक्तव्य नहीं आया है। महोदय हम लोगों ने सब लोगों ने विपक्षी दल के लोगों ने मिलकर के बिहार को बंद किया था और पूरी बिहार की जनता ये चाहती है कि किसी भी प्रकार पर चाहे खून देना पड़े लेकिन हम NRC और CAA को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हमने कई बार उप मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, अब हमको समझ में नहीं आते उप मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं या अमित शाह जी की बात को मानते हैं, इस पे भी थोड़ा स्पष्ट कर दे। अब तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो चुका है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, इनके पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष गृह मंत्री कुछ और कहते हैं और सुशील मोदी जी कुछ और कहते हैं। हमको याद है झारखंड में बैठे हुए थे, एक ही मंच था एक निजी चैनल के चैनल में, वहां इन्होंने कहा कि नहीं लागू होने दे और अमित शाह जी ने उसी मंच पे उसके बाद जाकर के कहा कि किसी भी कीमत पे हम लागू करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे स्पष्ट वक्तव्य होना चाहिए, लोग असमंजस में नहीं रहना चाहिए, इसमें स्पष्टी होनी चाहिए महोदय कि क्योंकि अब नोटिफिकेशन हो गया, अब तो काम इस पे कार्रवाई होगी।
और ये जो एनपीआर है दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी, मतलब पहला कदम है एनआरसी को लेकर के। अब इसमें हर जगह जो है लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए अब हम लोगों को सबूत देना पड़ेगा कि हम लोग इस देश के नागरिक है कि नहीं है। इस देश की आजादी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने खून बहा करके इस देश को आजाद कराने का काम किया है। और कुछ लोग जो है उनपे संदेह की नजर से देख रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबों का देश है, और हम लोग जो संविधान विरोधी अगर काम होगा तो इसको हम लोग सहने वाले नहीं है महोदय। इसलिए स्पष्ट, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, ये मामला बहुत ही गंभीर है महोदय। अब पता नहीं आप मुख्यमंत्री जी वर्मा जी का बात मानेंगे कि ललन जी का बात मानेंगे, ये भी देखना। पार्लियामेंट में वो लोग समर्थन करते हैं, फिर वर्मा जी चिट्ठी लिखते हैं, प्रशांत किशोर जी मिलने जाते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं हम सीए का नहीं बल्कि एनआरसी का विरोध करेंगे। ये क्या मतलब है? सारा खेल आप जानते हैं। हमको याद है जब हम उप मुख्यमंत्री थे, बगल में बैठा करते थे तो आप बोलते थे कि आरएसएस वाला लोग बहुत खतरनाक है, इनके डिजाइन से बचना, बहुत खतरनाक है। आप कहा करते थे मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी बात नहीं, आप हमको हौसला जगा के कहते थे कि बहुत लंबा लड़ाई है, इतने आसानी से नहीं लड़ा जाएगा, और कहा करते थे अब तुम ही लोगों को संभालना है। अभी एक बात चिराग पासवान जी को कहते होंगे, वो बेचारा फंस जाता होगा, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन सही में मुख्यमंत्री जी, अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम लोगों को चाहे अपना हित, अपना क्या इरादा है, कहां फायदा नुकसान ना दे करके देश हित में फैसला लेना पड़ेगा। क्या डर है, किनसे डर है? अब तो आपका कार्यकाल हो गया, आपने अपनी सारी चीजों को देख लिया, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है आप उसके भविष्य को बेहतर उज्जवल करने के लिए आप फैसला लीजिए। और यही हम अपील करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो जातीय जनगणना के साथ साथ इस पे भी विशेष सत्र बुला लिया जाए, क्या दिक्कत है, हम लोग हैं साथ में। तो महोदय ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार पुनः मैं दोहराता हूं कि 126वां जो संशोधन है इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। जय हिंद।